अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सरकार के साथ मैं और मेरी सरकार आपकी सरकार में हाजिर है। साहिबान, हम किस मुआशरे के वासी हैं? ये बड़े दुख की बात है कि हमें दूध के साथ खालिस और दवाइयों के साथ असली लिखना पड़ता है। पुराना दौर बड़ा कमाल होता था नुमान भाई, हर चीज खालिस, यकीन करे दूध खालिस सब। ये देखे नजर नहीं आ रहा कि मुंह से खालिस दूध कितना बुरा लग रहा है। पुराने दौर खुराकें और थी, लिखना ही नहीं पड़ता था ये खालिस है ये खालिस नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई बीमार भी नहीं होता था। हनी भाई बरकत थी। आप यकीन मानिए, हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि क्यामत की निशानी यह है कि बरकत उठ जाएगी। अब आप इतने पैसे भी कमा ले तो उसमें बरकत नहीं है। मुझे याद है अब्बा के साथ जाया करते थे हम, तो मेरे ख्याल में मैंने अपने होश में 8 रुपए किलो गोश्त देखा हुआ है। वाह वाह वाह। और वो गोश्त किलो आता था और उसमें बड़ी बरकत होती थी। जी जी, ऐसे तनख्वाह खत्म नहीं होते थे। वो तो किलो किलो ही होता सी जी। बहुत अच्छा। उस वक्त एक शख्स कमाता था, पूरा खानदान खाता था। अब एवरीबॉडी इज अर्निंग, लेकिन तब भी पूरी नहीं पड़े। हाँ, ये बड़े अजीब सी और ये बड़ी दुख की बात है। किस खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हाँ। और मैं तो बिल्कुल कूल बैठा हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि ये अल्फाज लगाने की जरूरत या नौबत क्यों पेश आती है। आयशा जी आप बताइए। असल में यकीन खुद पे भी नहीं है, इर्द गिर्द पे भी नहीं है, तो फिर हर चीज में यकीन दिलाना पड़ता है कि ट्रस्ट अस। There is no trust. चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तेरे को ज्यादातर मसाला गरीब ने। लेकिन हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो इस तरह के कोई अल्फाज हमें नहीं दिखाई देते, क्योंकि वहाँ ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज के हिसाब से ही लिए जाते हैं। वहाँ तो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं डब्बे के ऊपर और वो लोग बिलीव करते हैं और वो ले लेते हैं। यहाँ ये नौबत इसलिए पेश आई क्योंकि झूठ, मकारी, फ्रेब, हम इन चीजों से बाज हैं। हम कस्में खा के अपनी चीज बेचते हैं। और मुझे तो कई दफा ये शक होता है कि कहीं ये कस्म भी झूठी ना हो। और देखिए, पिछले दिनों ईद गुजरी है, फल फ्रूट कितना महंगा हो गया, कोविड के दौरान ये मास्क, सैनिटाइजर्स, इनकी कीमतें, दवाइयों की कीमतें कितनी ऊपर चली गई। रमजान के महीने में भी यही पोजीशन रही, यही पोजीशन। और उसके बाद दुख इस बात का है कि हम वो तराने गाते हैं कि हम जिंदा कौम हैं। कभी हम अपने आप से पूछे कि क्या हम जिंदा कौम हैं? बताइए। असी जिंदा वाजी, साडा जमीर मर गया है। हम जिंदा हैं, हमारा जमीर मर गया है। हम जिंदा कौम है, ये दरिंदा कौम है। बातों का सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा और हमारी कोशिश होगी कि इसी तरह सार्केस्टिक तरीके से इन बातों की निशानदेही करते रहे। तो आज के हमारे जो मेहमान है, दो मुख्तलिफ शोबों से उनका ताल्लुक है। एक का ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से है, बड़े प्यारे हैं, मैं उनके वालिद का फैन और वो मेरे आगे से फैन, ये वो कहते हैं, लेकिन मैं उनके वालिद का फैन। What a handsome man he was. Allah Pak unko Jannatul Firdaus mein jagah ata farmaye. Aur unke saath jo hamari aaj mehman khatoon hain, journalist hain, designer hain, animal rights ke upar kaam kar rahi hain. What not wali baat ho jati hai. Bahut saari taaliyon mein welcome karte hain janab Agha Ali sahab aur Sara Gandapur sahiba. सबसे पहले तो खुश आमदेद आपको हमारे प्रोग्राम में, और दोनों ही आज माशाल्लाह एक रंग पहन के आए हैं और कुछ कलर कोऑर्डिनेशन हो गई। हमने वैसे अपने प्रोग्राम में नजर बट्टू के तौर पे एक साहब बिठाए हुए हैं। आप यहाँ पे कोई बंदर क्यों नहीं बिठा लेते? आपको क्यों लगता है कि मेरा इशारा हर वक्त आपकी तरफ? मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है। बंदर के अलावा और भी काफी जानवर है जिनकी आप फेवरेट हो सकते हैं। नहीं, आपको चाहिए ना कि रींच के साथ बंदर ही बिठाए। एक्चुअली अगर किसी को रीच या बंदर का प्यार मिल जाए तो उससे खुश नसीब इंसान दुनिया में। अरे, क्या बात। एनिमल राइट एक्टिविस्ट। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग वो नहीं है, वो अपने राइट्स ले आएंगे। तो सारा जी, क्या हो रहा है जिंदगी में? इतना कुछ है आपके नाम के साथ। यस। तो इतना कुछ कैसे संभाल लेती है सब कुछ? घर में सबसे छोटी हूँ तो वो बच्चे नहीं होते मनहूस टाइप से, वो जो कहते हैं मुझे ये करना है मुझे ये करना है, तो वो कर करके ना हर काम अपनी मर्जी से कराती गई। अच्छा। तो बस फिर बड़े हो गए अनफॉर्चुनेटली। तो अभी बहुत यंग एज से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, पढ़ाई करते हुए ब्रांड स्टार्ट कर लिया था कॉलेज में। अच्छा। और साथ जर्नलिज्म में भी आ गई और फिर बाकी भी सारे काम किए। छोटी एज में फेम भी मिल गया और अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा। फिर मुझे लगा कि बेजुबानों के लिए काम करूंगी तो सब अच्छा हो जाएगा। तो अभी कोशिश कर रही हूँ
आप लोगों से शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे आज बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा वेट इस कदर बढ़ गया है कि मैं जानवरों के बिल्कुल करीब करीब पहुंच गए। उससे मैं पूछन लौड़ी जी, लाहौर से कूच क्यों कर गए? नहीं, कूच तो नहीं कर गए, लेकिन लाइक एवरी अदर एक्टर, क्योंकि काम ज्यादा कराची में होता है तो ज्यादा वक्त वहां गुजरता है। आई ऑलवेज वेट टू कम बैक। और नई जिंदगी कैसी लग रही है अब? तो वो भी पुरानी होने वाली है मेरे ख्याल में। नहीं, अभी तो एक साल होने वाला है, तो पुरानी तो नहीं कहूंगा मैं, पर इट्स ब्यूटीफुल, इट्स बिगिनिंग, इट इज यू आर एंजॉयिंग दैट बिगिनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। आन भाई, मैं गिला कीता ना कि मैं तेरे नाल नहीं बोलदा ना। अच्छा, क्यों? मैं कि तू मेनू ब्याह ते भी नहीं बुलाया, तू क्यों नहीं मैंने बुलाया? अरे नौमी भाई, वो कोविड हो गया, मैंने तो घर वालों को भी नहीं बुलाया। बुलाया मैंने, वो आ नहीं पाए, फ्लाइट्स बंद हो गई और वही बात हो जाती है। और बस अम्मा ने मेरी कहा कि अल्लाह का नाम ले। मैं हमेशा से चाहता था, बहुत सिंपल रहे, पर हमेशा से ये चाहता था कि जिन लोगों से मैं प्यार, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, you know, so I wanted all of these people to surround me, पर जैसे अल्लाह को मंजूर। ये भी सादगी से शादी की थी इन्होंने भी, यकीन के रहे, ये खुद बरात के साथ गया ही नहीं। ये तो कौन लेके आया फिर दुल्हन को? ये फिर आप ही छाड़ के सर। वक्त के साथ साथ सारा जी, हमारे मीडिया के बहुत सारे यंगस्टर्स जी, यार क्विकली गेटिंग मैरिड, बिकॉज़ आई थिंक टाइम चेंज हो गया ना, और सपोर्ट भी होती है एक दूसरे को, पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ। सो तो मैं ये कह रहा था कि अकलमंद को इशारा काफी है, तो आप भी कुछ इरादा बना लीजिए। आप सब कुछ तो बन गए हैं, अब दुल्हन भी बन जाए, क्या रिक्वायरमेंट है बता दें जरा आज। क्या रिक्वायरमेंट है? जो मेरे सब बच्चों को पाल ले, क्योंकि मेरे कमरे में 20-25 बिल्लियां होती हैं, दो कुत्ते हैं, तीसरा भी आ रहा है, तो वो ऑलराइट जो गुजारा कर ले। रिस्क लिया जा सकता है। ये क्या उन बिल्लियों से इंस्पायर हो के आपने अपना हेयर स्टाइल भी बदला है और सारा कुछ? Oh my God, आपसे नहीं कोई सवाल। आगा जी, और सुनाइए क्या हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, क्योंकि मैं तो बहुत कम काम करने लग गया हूँ। Where is it going? कहाँ जा रही है ये जो ड्रामे बन रहे हैं? अक्सर हमारी आयशा साहिबा को बड़ा गिला और शिकायत है, और मेरे रोज कान खाती है ये कि ये किस किस्म का ड्रामा। मैं क्या, आप देखती क्यों हैं? वो कहती है नहीं, ये रिश्तों के तकद्दुस खराब कर रहे हैं, अजीब से ड्रामे आने शुरू हो गए हैं। मुझे तो हैरत इस बात की है कि ये एक ड्रामा देख के क्यों ऑफेंड हुई, क्योंकि ड्रामे तो सब एक जैसे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम के एक एक्टर के अंदर ऑब्वियसली एबिलिटी उसकी तभी निखरती है जब आप उसको चैलेंज करते हैं और वो अलग अलग किरदार प्ले करता है। बट सैडली फॉर अ हीरो, फॉर इंस्टेंस, इट्स काइंड ऑफ द सेम कैरेक्टर इन एवरी ड्रामा बिकॉज देयर इज द सेम काइंड ऑफ स्टोरी। तो बड़ा बहुत ही जरूरी है कि हम अपने टॉपिक, अपनी कहानी को बदलें। तो ये एक वजह है कि आप किसी भी एक्टर का कोई ड्रामा देख रहे हो और आप 6 महीने के बाद कोई और ड्रामा उसका देख रहे हो, तो आपको लगेगा वही ड्रामा चल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ना उसने अपनी दाढ़ी का स्टाइल बदलना है, ना बालों का बदलना है। खातून ने कह दिया कि दाढ़ी अच्छी लगती है, उसका ये मतलब नहीं है आप पूरी कॉम पे वो दाढ़ी 10 साल के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, सरकार का एपिसोड चल रहा है, मजेदार बातें हो रही है, कहीं मत जाइएगा। जी सरकार, एक दफा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आगा जी, पिछले दिनों एक बड़ी तहरीक चली कि रॉयल्टीज मिलनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्टों ने कहा कि क्यों नहीं मिलती रॉयल्टीज और चैनल्स से हमें बात करनी चाहिए। आपकी टेक क्या है उसको लेके? मुझे लगता है जितने भी लोगों ने इसके ऊपर कुछ भी कहा है, उन्हें कुछ भी कहे बगैर काम करना छोड़ देना चाहिए, अनलेस उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट में रॉयल्टी का क्लॉ ऐड नहीं हो। बिकॉज देखिए, मुंबई जितने यंग एक्टर्स हैं, पीपल लाइक आई वेरी ओपनली से दैट आई नीड टू वर्क, आई कांट स्टॉप वर्किंग एंड टेक माय स्टांस, कर ही नहीं सकते बिकॉज आपका घर चलता है उस चीज की वजह से। और जब मैं 6-7 साल से मैं रेगुलरली एक्टिंग कर रहा हूँ, और मैंने कभी भी नहीं देखा है कि ऐसी किसी भी चीज के लिए किसी सीनियर एक्टर ने हमें बुलाया और कहा हो कि यार दिस इज आर राइट और ये करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सीनियर एक्टर्स बिकेम प्रोड्यूसर्स इन द एंड, उन्होंने प्रोड्यूसर बन के भी ऐसी कोई
खुद से कोई चीज नहीं की, इट्स अ चेन रिएक्शन। या सो राइट ही समझते हैं ना आपको अपना गुलफाम भाई जी, चंदा चंदा नहीं मुझे कोई ऐसी टिप दे कि मैं ना खूबसूरत लगना शुरू हो जाऊं और ये दुश्मन मुझ जैसे हो जाए, जल जाए। क्रीम तो मैंने लगाई है फिर भी मैं वाइट नहीं हुआ। जैसे अल्लाह ने पैदा किया वैसे बहुत खूबसूरत। कौन सी क्रीम लगाई है? आइसक्रीम। आइसक्रीम लगाने से गोरा यार, आयशा जी आपने इसको थोड़ा सा तो गुलफाम भाई को एजुकेट करें। लाइक कॉम्प्लेक्स का कोई इलाज नहीं होता। वालिद आपके वकालत से उनका ताल्लुक था? नहीं, मेरे फादर जस्टिस थे जी। अच्छा, वही वकालत वकालत से ही ताल्लुक? नहीं, बाबा वाज ही केम फ्रॉम जुडिशरी। ही इज अच्छा, ही वाज इनटू जुडिशरी। यस, ही वाज फ्रॉम डे 1। दादा का भी इसी इसी मेरे दादा जो है जी, वैसे तो हम लोग डेरा इस्माइल खान के हैं और अच्छा। सरदार फैमिली हमारी वो पठान फैमिली जी, और लेकिन अब फ्यूडल्स हैं, लेकिन दादा वाज कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड हजारा डिस्ट्रिक्ट डीएफओ के पूरे थे, वो डीएफओ थे अच्छा। हजारा डिस्ट्रिक्ट के तो बस वहां से, और फिर बाबा फिर सर्विस में आ गए तो फिर मैं बनू में पैदा हुई थी। आई एम द यंगेस्ट ऑफ 6 बच्चे, तो काफी बिजी रहे मेरे माँ बाप। अगर मैं ये कहूँ कि आप एक पश्तो स्पीकिंग पठान है तो ये गलत नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही है। और राजी जी टोला राजी लग लग राजी लग लग राजी लग लग राजी। माशाल्लाह पाकिस्तान में जितनी जुबानें बोली जाती हैं आयशा जी को और गुलफाम साहब को सब आती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनको तो अगले जुबानें काट के भिजवा देते हैं, इनको जुबानें आती हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गर्ल जी। गर्ल नो, लड़की को अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू। मुस्लिम आदमी, मुस्लिम आदमी। आगा जी, आगे के क्या प्लान्स हैं? Are you planning to go into production as well, जी? जी, there is a telefilm and then I produce my own music, so there are 2 more music videos हम करेंगे। कोविड की वजह से नहीं कर रहे। इससे कुछ लोगों के रवैयों में कोई तब्दीली आई है? क्योंकि मुझे याद है जब शुरू शुरू में जब ये शुरू हुआ और तेजी तेजी आई इसमें, तो लोगों को ऊपर वाला अल्लाह बहुत याद आया और लोगों ने कहा कि नहीं मैं अपने आप को दुरुस्त करूंगा। Do you think so? कि ये काम सुधर से नहीं, आई थिंक इससे ऑपोजिट हुआ। मुझे तो लगता बिल्कुल अल्लाह को भूल गए कई लोग, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया को ही देखें पिछले इसी एक साल में, सो दिस सो मच ऑफ हेट्रेड दैट यू गॉट टू सी ऑन सोशल मीडिया टुवर्ड्स पॉलिटिशियंस और एक्टर्स और हूएवर वाज अ लिटिल फेमस, आई एम श्योर कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया लोगों में। बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारे काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो जितना गंद कहीं ना कहीं अंदर छुपा था वो भी निकल के बाहर आ गया। खैर, एनिमल राइट्स के हवाले से आप बात करते हैं, लेकिन हमारा जो अगला सेगमेंट है वो हमारा एक भाई है तो तफाल निकालते हैं। अरे अरे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बिल्कुल सर बहुत सारी तालियों में जी वेलकम कीजिएगा पप्पू परेड साहब को जी। से दिल का नरम, दूसरा शुरू का खिलाड़ी और फिर अदाकारी का भरम। वाह मेरे मौला तेरा करम, सारा गंडापुर साहिबा आगा अली जी सरकार में धड़म बड़म तड़म। बना लेते हैं मेरे भाई, बना लेते हैं। पैरेट एंटरप्राइजेस है सारा जी, और ये ऑनलाइन भी है। अच्छा अच्छा। www.pappuparrot.com अगर आप हाँ ऑनलाइन अगर फॉर्म भरवाना चाहती हैं तो ऑनलाइन भी निकाल लेते हैं। तोता भी पढ़ो तो सोटी भी रखो, सारा आप ही करो। डिजिटल पैरेट है मेरे पास और माशाल्लाह से आगे गैर सियासी तोता है ये। यस, ये तोता सियासी नहीं मरासी है। पप्पू पैरेट ने आज तक जो भी माल निकाले बेटा मेरा कान ना खा रही है, पैसे नहीं मैं ले रहा। माशाल्लाह से तैयार हो जा फाल निकालने के लिए, क्योंकि आगा अली साहब
साहब आए हैं और सारा साहिबा आ गई है बेटा, और तू इनकी फाल निकालेगा, निकालनी पड़ेगी। पप्पू जी मुझे ये बताइए, आप सारा जी की पहले फाल निकालेंगे या अली आगा साहब की? देखिए मैं इन दोनों को दो ऐसी बातें बता दूंगा जो जिंदगी में इनके काम आएंगे। क्या वो आप जो दो बातें बताएंगे वो दोनों पे लागू हैं? ये वो हर किसी पे लागू है। आप दोनों कुछ सोचिए जी जी, और जितनी देर में वो फाल निकालते हैं और आपको जवाब जो है ना वो पप्पू जी यहाँ से निकाल के। अगर इनके दिल में कोई बात हो पूछने के लिए तो मेरा पैरट ऐसा है जो दिल की बात भी बता देता है, बिकॉज मैंने इसको ट्रेंड किया है। चल बेटे पप्पू पैरट आ जा बेटा, फाल निकाल जरा। हाँ दो बातें ऐसी बता दे जो जिंदगी में हर किसी के काम आए बेटा। उठा ना कार्ड, उठा 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 कार्ड पितर। कोई गल नहीं, चुंझ नहीं फंस रही किधरे। यस तो दो बातें वो बताऊंगा हुजूरे वाला जो जिंदगी में काम आएंगी माशाल्लाह। ना कर टें हजे नहीं होना कुछ भी कटे उनकी जेब में, पता नहीं बेटा है या नहीं, वो चेक पे आए हैं, कैश पे नहीं आए लेने आए। किरदार जो टीवी पे किया जाए उसमें हीरो हों आप, ये जरूरी नहीं। असल जिंदगी के किरदार में आपको हीरो होना चाहिए। अरे अरे भाई, बड़ी बड़ी बात है आगे जी। और वो जैसे जानवरों के लिए काम करती हैं, उनके हुकूक के लिए काम करती हैं, तो बात मैं ये करना चाहूंगा कि इंसान जब अपने अंदर के जानवर को मार लेता है तो वो किसी के लिए भी खतरा नहीं रहता। वाह, पहली दफा इन्होंने इतनी गहरी बात की है। yes, कि मैं अब सोच में चला गया हूँ और मुझे नहीं लगता मैं वापस आऊंगा। आप तो सोच में भी ऐसे ही गए हैं जैसे नवाज शरीफ लंदन गए। जाते जाते कोई ऐसा पैगाम जो हमारे देखने वालों को आप देना चाहते हो इतनी बारीक बातों? जाते जाते पैगाम सिर्फ ये है कि मोहब्बत बोओगे तो मोहब्बत ही काटोगे। मोहब्बत एक ऐसा हथियार है जिस पे वार किया जाता है, वो कहते मैं आराम ना मार ले कोई गल। बड़ी बात है और ये खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो वेरी मच, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी कटी कटी। थोड़े तो मतलब था पानी रोड़ना ताकि कुछ करनी है जानते हैं। आगा जी, अगर हम पप्पू जी की बात को लेके चले, क्या समझ में आया आपको? बस यही समझ में आया कि हीरो की एक्टिंग करना बड़ा आसान काम है, वो तो आसान काम ही लेते हैं, पर रियल लाइफ में हीरो होना ही। यू हैव टू सेट एन एग्जांपल फॉर द सोसाइटी। थोड़ा सा मैं ऐड कर सकता? जी जी जरूर। रियल लाइफ हीरो वो होता है जो छोटे छोटे काम करने में अपनी इज्जत समझे, और छोटे छोटे काम बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो आपको बहुत बड़ा आदमी बना, बड़ा आदमी बना देते हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे जी सरकार में और फिर दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार में एक मरतबा फिर से। आगा जी, जानवरों का शौक है? जी जी, मैं आई हैव ऑलवेज बीन एन एनिमल लवर। तो कौन से जानवर रखे हुए हैं आपने? दो शेपर्ड्स है मेरे पास। अच्छा। और एक एक पग है। अच्छा। ब्लैक पग। यहाँ लाहौर में या कराची? लाहौर में। मेरे शेपर्ड्स अब कराची में, बिकॉज़ मेरा ज्यादा वक्त वहां गुजर रहा था। तो आपने रखे हैं घर में? मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं जानवर रखूं, उनकी केयर करूं, लेकिन जानवर का दिल नहीं करता कि वो यहाँ रहे। आपको किसी ने कभी रखा है? वैसे उसी प्रोग्राम करो, मैं वर्कशॉप कर रहा हूं। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। आप इंतहा हो गई बिस्ती की। आपको प्यार से कहता हूं, हमें भी जान है, आपको पता ही। थैंक यू सो मच। आपको पता है कितने लोग तड़प रहे होते हैं कि उनको कोई रख ले? हम प्यार लिखते रहे और वो प्याज पड़ती रही, एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन बना दिया। तो मेरे पास दो लैब्राडोर हैं। अच्छा। और इतना खूबसूरत वो डॉग है, और फैमिली डॉग में उसको क्या कहा जाए। लैब्राडोर के बारे में तो यही है कि वो फैमिली बच्चों का। जब नाराज हो तो एक्सप्रेशन बड़ा मजेदार होता है इनका। जो वेब का प्रोसेस और प्रोसीजर है, एक्टिंग का, डायरेक्शन का, राइटिंग का, वो तो इंटायरली डिफरेंट है हमारे ड्रामों से।
हमारे यहाँ अभी वेब का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो थोड़ा सा आप कह लो कि we got some space to breathe as an actor. मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म किया है. I played a triple role in that. मेरे तीन किरदार हैं उसमें. तो वो मुझे नहीं लगता वो मौका मुझे टेलीविजन पे उस तरह से मिला है या मिल सकता है, बिकॉज अगेन कहानियाँ ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ होती नहीं है. तो आई होप कि कम से कम वहाँ पे वो चीज़ बढ़े और प्रोडक्शन और बढ़े, क्योंकि ये परसेप्शन भी तो लोगों को रहती है जो हमारे टेलीविजन के लोग हैं कि वेब पे अगर आपने ड्रामा डालना है तो उसमें चार गालियां डाल दो तो वो वेब का बन जाता है. नहीं, ऐसा वेब की राइटिंग इज डिफरेंट. जी जी, ठीक है ना. जुबान का इस्तेमाल इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आई डोंट नो, वो हम अगर हमसाया मुल्क से इंस्पायर होकर गालियां डाल रहे हैं तो वो हमारी बेवकूफी है. आप हमसाया मुल्क की जब ये क्रिटिसिज्म आप करते हैं और आप कहते हैं कि उन्होंने चार गालियां डाली हैं, आप वो चार गालियों के अलावा उस सीरीज को देखें, आपको प्रोडक्शन भी मिलेगी, डायलॉग्स भी मिलेंगे, हर चीज मिलेगी. एग्जैक्टली. डू यू थिंक सो कि हम कामयाब रहेंगे वेब को लेकर? इंशाल्लाह. मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो अलग काम करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग यू. आई बिलीव यू ऑल गेट अ लिटिल बोर्ड बाय डूइंग द सेम काइंड ऑफ ड्रामास. ये जो हमारे ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ खराब हुए जिससे बहुत सारे लोगों के दरवाजे भी बंद हुए, स्पेशली हमारी फ्रेटर्निटी के तो बहुत दरवाजे बंद हुए. व्हाट डू यू फील कि अगर कोलैबोरेशंस होती तो फायदा होता हम लोगों को? बिल्कुल होता. 100%. देखिए, वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो हमसे ज्यादा इक्विप्ड हैं, वो हमसे ज्यादा, उनका विजन ऑब्वियसली हमसे ज्यादा वसी है, क्योंकि जितनी फिल्में वहां बनती हैं एक साल में. डिड यू गेट एनी ऑफर फ्रॉम देयर? I got once, it was a Punjabi film, but I thought it's better to make a debut here. हमारे तो बहुत सारे comedians जी 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 बिल्कुल भी काम कर रहे हैं जो कि UK में फिल्में बन रही हैं पंजाब जी की. किसी ने तानू फिल्म दी सुला मारी? बांग्लादेश तो, नेपाल तो, श्रीलंका तो, कोई तमिलनाडु के उत्ते कोई फिल्म बन रही होए? यानी तू पंजाबी हो ही गया. ज्यादा फनी सलाहियतें हैं, और फनी में अंग्रेजी वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ. थोड़ा सा अपने मेहमानों का टेस्ट लेते हैं. आगा जी, जब हमारे पास हो इतना अच्छा एक्टर हमारे पास हो तो उसकी एक्टिंग क्वालिटी से अगर हम मुस्तफीद ना हो तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी. मैं आगा साहब आपको अपने पैनलिस्ट के पीछे से एक तस्वीर दिखाऊंगा, ठीक है, और ये बूझेंगे कि वो कौन. आगा जी मेरी जगह पे आ जाइए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा. मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं नहीं चाहता, और मैंने कोशिश की है इस दफा के इनको बिल्कुल ना पता चले कि मैं आप पीछे क्या देख रहे हैं, आप आगे जो मुड़ के देखेगा वो पत्थर का हो जाएगा. कि मैं पहली तस्वीर आगा साहब को दिखाने लगा हूं, और आगा साहब अपने एक्ट करके बताना कि ये शख्सियत कौन सी है. मशहूर शख्सियत है, स्पोर्ट्स के. ओके, शोएब अख्तर. हाँ, भाई का, शेबी जी का, स्वयं भाई का, he's an adorable human being. ये एक थोड़ा सा टफ है जी, मुश्किल है. मुझे मत देखिएगा प्लीज, मुश्किल है. अच्छा, हाँ, ये मुझे नहीं. हाँ हाँ, I don't know. धनक धनक दिन, चूंच जैसी नाक है, तोते तोते के बेटे. थैंक यू वेरी मच. सारा जी आई है, आपका इम्तिहान है. आइए जी. सारा जी आपने बोलना नहीं, ठीक है, और इतना आसान है कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. सही है. लेकिन ये इनका इम्तिहान है. साड़ी इज्जत तो आड़े आते थे. साड़ी ये तो बहुत मुश्किल है. बहुत आसान है. अच्छा जी, नहीं कोई शोभा इनका आप बोल नहीं सकते, आप चल क्यों दे दे. हाँ, पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक. पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक. बहुत पुरानी शख्सियत नहीं है. अच्छा जी, नई शख्सियत है तकरीबन. इसी गवर्नमेंट की है. शाबाश, और कोशिश कीजिए. कसौटी खेल लेने ये क्या था, ये कोई इनका स्टाइल करके दिखाइए. वो ऐसे करिए, वो ऐसे लग रहा है कि प्रिंसेस डायना. यूं थी वो. सो मेल है, फीमेल है? मेल है. मेल है. मेल है. मूछे हैं? मूछे हैं. और आप और वो तकरीबन हम सर हैं.
सॉरी साहब ने मेरा ख्याल है, आई थिंक ये इनको करना चाहिए था दोस्तार साहब तो नहीं हम सर पे ही पता चला। मैंने ऐसा मैंने बुज़दार साहब किया भी हुआ है जी आप बल्कि बुज़दार साहब आजकल हनी अल बिल्ले का रोल कर रहे हैं। मजेदार बातें चल रही हैं जी सरकार में, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी सरकार में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आपका ताल्लुक फैशन वर्ल्ड से रहा है, एनिमल राइट्स की आप बात करते हो और फैशन डिजाइनिंग, ये जो लेदर बैग्स बनते हैं, ये जो दूसरी बहुत सारी चीजें जो लेदर की कपड़ों का भी हिस्सा बनती है, तो उस पे आपने एतराज कभी उठाया कि ये क्या है? कुछ साल पहले तक जेनिफर लोपेज वाज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फैशन एंड म्यूजिक आइकॉन्स, देन आई स्टॉप फॉलोइंग हर बिकॉज़ शी इज नोन टू यूज एंड अब्यूज अ लॉट ऑफ फर, और फर जो एनिमल्स से उतारी जाती है वो ये इतना एक पेनफुल प्रोसेस है कि आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे ये लगता है कि हर इंसान को इसको बॉयकॉट करना चाहिए। बिल्कुल, आपको पता है कि आगा जान बड़ी अच्छी मिमिक्री भी करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, और मजे की मैं आपको बात बताऊं, मैं इम्प्रेस इस चीज से हुआ था। अब वो बोल गा के आपको सुनाएंगे, ठीक है, और आपने गेस करना वो कौन सा सिंगर। उसके बाद मैं आपका असल आपकी असल आवाज में भी गाना सुनूंगा, ये नहीं है कि नहीं सुनूंगा। थोड़ी सी बिट आप सुनाए, ये आपकी आपकी मोहब्बत में। मैं एक्चुअली इन साहब का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, यही वजह है कि सब फैन है उनके, उनके तो इंटरनेशनल फैन है। तो ये चल दिल मेरे छोड़िए फिर ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे अली भाई का एक मुझे बड़ा मखसूस स्टाइल भी है बात करेगा। देखिए मेरे गानों में एक अलग बात तो है, इसलिए आपको मेरा जो तरीका है वो थोड़ा अलग लगता है, बस ऐसे ही है, मैंने कभी गरूर भी नहीं किया इस पे। हमने तो एक साहब है, उन्होंने एक प्रोडक्शन शुरू की है, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं सारा जी को कोई कैरेक्टर ऑफर कर सकूं, तो मैं क्या कर दीजिएगा। उनको जब पता चला कि आगा साहब भी यहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एक वेब के लिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो मिलना चाह रहे थे आपसे, अगर आप दोनों का एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। चवेचस का मुआ, आज वो जो करारेदार निकलती है ना वो बनी रही। चवेचस का मुआ, चवेचस का फिल्म प्रोड्यूसर आगा जी, सलाम जी, बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ मैं, माशाल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फिल्म में बड़े बड़े स्टार हों ताकि मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पर बेच सकूं। क्या चाहते हैं आप मेरे दोनों फनकारों से? ये देखें, ये है मेरे हीरो। अरे अच्छा, सारा जी के लिए भी मैंने रोल लिखा हुआ है, मेरी फिल्म में जानवरों के हकूक पर भी बात हो रही है। अरे ये वैसे आजकल ऐसी चीजें फिल्मों में इनकॉर्पोरेट हो जाए तो बड़ा एडवांटेज मिलता है, तो आपको तो फॉरन बिल्कुल मैसेज भी है फिल्म में, मैसेज भी, लेकिन ऑडिशन देना पड़ेगा, ऑडिशन के बगैर
आप ले ऑडिशन से लो जी आगा जी ऐसे आ जाओ जरा ऐसे आ जाओ फिल्म है पंजाबी तुसी डायलॉग बोलने हैं जी कि ओए चस्किया ओए चस्किया ए शरीफा दा मल्ला शरीफा दा मल्ला जे दोबारा इथे दिसया ते मैं तेरे टोटे टोटे कर दियांगा बल्कि छोटे छोटे कर दियांगा ओ माय गॉड वारे वाह फसाओ करे मुरे एक्शन बोलूं बोले ना एक्शन दे दिया क्या दोबारा बताइए मुझे क्या चाहिए तू यार फनकार नहीं वो मैं थोड़ा भूल गया था हां ओए चस्किया ये शरीफा दा मल्ला है शरीफा दा मल्ला है जे दोबारा इथे दिसया मैं तेरे टोटे टोटे कर दियांगा बल्कि छोटे छोटे कर दियांगा छोटे छोटे जरा दोबारा इधर दसया ते मैं तेरे छोटे छोटे टोटे कर हाय हाय क्या बात है साउंड ओए जाए सॉरी माय बैड जी साउंड कहे मरे एक्शन ओए जावेद चस्किया चस्का लैण तो पहले रुक क्यों जाते शरीफा दा मुल्ला है जे दोबारा इत्थे दिसिया ते तेरे टोटे टोटे कर दियांगा ते नाले थोड़े छोटे छोटे भी कर दियांगा क्या बात है एक डायलॉग आप भी बोल समझे ना फिर आपका दिल करेगा चस्किया हाँ जी अगर तेनु मेरे पेट्स नाल प्यार नहीं हाँ? तो तू इधर ना गेट आउट हो जा ओए होए वाह 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 नाजी नुमान भी आज एडिशन होया क्या बात जी मेनू मेरे स्टार मिल गए वाह वाह मैं जाके सेट लूं उन्हां नु बिल्कुल जी जरा इनां नु कह दियो कि मेरी शूटिंग ते टाइम नाल पहुंच जा बिल्कुल पहुंच लो जी मैं जा रहा वाह वाह वेरी गुड जी सारी जो घरों में डिफेंस के किसी घर में उन्होंने जिराफ रखा हुआ है फिर लोगों ने शेर भी पाले हुए हैं ऐसे वाइल्ड जानवर जो कि खतरा बन सकते हैं कई दफा उनके बारे में उनके राइट्स के हवाले से आपने कोई मुहिम चलाई तो सबसे बुरी बात यह है कि ये माँ बाप अपने बच्चों को और छोटे बहन भाइयों को सिखा रहे हैं कि इससे आपकी सोसाइटी में एक बड़ा एक पोजीशन बन जाएगी एक इमेज बन जाएगा कि यार देखो शेर रखा हुआ है बड़े पैसे हैं इसमें कोई इतनी खुशी की बात नहीं है और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको प्रॉपर्ली कभी हुआ शूटिंग के दौरान किसी वाइल्ड बोर का अगर सामना करना पड़ गया हो जाते जाते हम दरखास्त करेंगे जी सरकार में सरकार से कि कुछ अपनी मधुर आवाज में गाना ही सुनाओ अखियां नम नम होइया जिन ले गया कोई मेरा जिया पुछ पुछ मैं थक गई आ किस गल दी सजा मैनू देवे खुदा हर बारी केंद मेरा कसूर मैं जावा केड़ पास मैं ता जाना ही ना हर बारी जावा हार मैं मंगा मेरा प्यार मैं किदा किदा तरला करा दस दस किवें यार मनावा दस दस वे मैं केड़े पास जावा अपने जे हुण जहर मैं खैर किवें मंगाना अपने यार दिया दस दस हुण की खता मेरी भावें कित जिंदड़ी तू तबा मेरी
अपने ने सारे गैर मखर किवें मां।